गाइस मैंने इंटरनेट की 5 सबसे वायरल नेक बैंड खरीद लिया है और इन सभी की प्राइस लगभग 1500 रुपए, जिसमें है बोट लोकल्स 255 ANC, सोनी WI-C100, वन प्लस बुलेट वायरलेस G2, रियलमी बड्स वायरलेस 3 और लास्ट है JBL ट्यून 215 BT। तो अब सवाल इस बात का है कि आपको 1500 रुपए में कौन सी नेक बैंड खरीदना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इन सभी नेक बैंड को बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पे टेस्ट किया है। जैसे फर्स्ट नेकबैंड की साउंड क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए, सेकंड कॉलिंग में भी उससे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, थर्ड नेकबैंड की बैटरी लाइफ भी बिल्कुल अच्छी होना चाहिए, फोर्थ लॉन्ग टर्म में अगर उसे यूज करें तो वो कंफर्टेबल भी रहे, और लास्ट में मेरे लिए नेकबैंड की ब्रांड वैल्यू भी मायने रखती है। तो मैंने इन सभी नेकबैंड को इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे अच्छे से टेस्ट किया, और इतना टेस्ट करने के बाद मैं ये दो नेकबैंड आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों ही मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी। जिसमें पहली है ये JBL की नेकबैंड, क्योंकि इसके हाफ इन ईयर ईयरबड्स बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, इसमें मैग्नेटिक ऑन और ऑफ जैसे बेसिक फीचर ही मिसिंग है और बैटरी बैकअप भी इसमें सिर्फ 16 घंटों का ही मिलता है। और दूसरी है ये सोनी WI-C100, प्राइस के हिसाब से इसका भी साउंड बिल्कुल एवरेज है और लाउडनेस भी बहुत कम है, और इसमें ANC भी नहीं है जिससे कॉल पे बात करने में भी दिक्कत आ रही थी। देखो यार, आजकल 1500 रुपए की नेकबैंड के कुछ ऐसे बॉक्स आते हैं, लेकिन सोनी ने 1500 रुपए में हमें इतना सा बॉक्स दिया है, और सबसे खराब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी इसी का था। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि 1500 रुपए में आपको सोनी और JBL की ये नेकबैंड तो बिल्कुल नहीं खरीदना है। तो चलो अब बात करते हैं हमारी टॉप 3 नेकबैंड के बारे में, जिसमें थर्ड पोजीशन पे है ये वन प्लस बुलेट G2। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि फ्लिपकार्ट पर इसके 7 लाख से ज्यादा रेटिंग है, यानी हम इंडियंस ने इसे कुछ ज्यादा ही पसंद किया है, और जब ये मेरे पास आई तो मुझे भी इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगी, और ये नेकबैंड यूज करने में कंफर्टेबल भी है, साउंड इसका बैलेंस है और लाउडनेस भी अच्छी है, और कॉल पे बात भी ठीक से करवाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नेकबैंड में सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन इसे नंबर 3 पे क्यों रखा है। देखो, मैं भी मानता हूँ कि वन प्लस की नेकबैंड एक अच्छी नेकबैंड है, लेकिन इसे नंबर 3 पे रखने के पीछे 3 रीजन है। देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें ANC नहीं मिलता है, दूसरा नेकबैंड को कस्टमाइज करने के लिए इसमें कोई ऐप सपोर्ट भी नहीं है, और लास्ट इसका बैटरी बैकअप भी हमारी टॉप 2 नेकबैंड से कम है, इसलिए यार ये नंबर 3 पर है। तो देखो, अगर आप वन प्लस फैन हो तभी इस नेकबैंड को खरीदने के बारे में सोचना, अदरवाइज हमारे पास इससे 2 अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। तो चलो अब बात करते हैं 1500 रुपए में आने वाली 2 सबसे अच्छी नेकबैंड की, जिसमें एक है ये बोट लोकल्स 255 ANC और दूसरी है ये रियलमी बड्स वायरलेस 3। देखो, दोनों की ही पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बॉक्स में हमें चार्जिंग केबल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलते हैं, लेकिन टच एंड फील में रियलमी की नेकबैंड मुझे ज्यादा अच्छी लगी, और बटन का फीडबैक भी रियलमी की इस नेकबैंड का बोट से ज्यादा अच्छा है, और पहनने पे भी रियलमी की नेकबैंड ज्यादा लाइट वेट फील होती है, लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में बोट की नेकबैंड रियलमी से कई गुना बेहतर है, क्योंकि बोट में मिलता है हमें 100 आवर्स का बैटरी बैकअप और रियलमी में सिर्फ 40 आवर्स का बैकअप ही मिलता है। वैसे तो बोट में 13 mm का ड्राइवर है और रियलमी में 13.6 mm का ड्राइवर है, लेकिन साउंड क्वालिटी मुझे दोनों की ही अच्छी लगी, बेस और ट्रेबल दोनों में ही बैलेंस्ड है और बिल्कुल क्रिस्प साउंड आता है, और लाउडनेस भी दोनों की मुझे अच्छी लगी। हाँ, लेकिन एक बात ये जरूर है कि दोनों को ज्यादा देर तक यूज करने में मुझे रियलमी की नेकबैंड ज्यादा कंफर्टेबल लगी। और अब बात करते हैं कॉलिंग की, तो कॉलिंग के लिए दोनों में ही ANC का डेडिकेटेड बटन है, और ANC का बटन दबाते ही ये दोनों नेकबैंड फैन और कूलर जैसे साउंड को तो बिल्कुल कम कर देती है, और हाँ, दोनों ही नेकबैंड में ऐप सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप नेकबैंड को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब देखो, इन दोनों ही नेकबैंड में मैक्सिमम फीचर तो सिमिलर है, बोट में हमें बैटरी ज्यादा मिल रही है, तो रियलमी की नेकबैंड पहनने में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर मेरे पास 1500 रुपए हैं तो इन दोनों में से मैं कौन सी नेकबैंड खरीदूंगा, तो मैं खरीदूंगा इस रियलमी बड्स वायरलेस 3 को, क्योंकि यार ये नेकबैंड मुझे बोट से ज्यादा कंफर्टेबल लगी है। माना बोट भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें एक बड़ी बैटरी के साथ रियलमी के नेकबैंड वाले ऑलमोस्ट सारे फीचर मिल रहे हैं, तो अगर आपको एक बड़ी बैटरी वाली नेकबैंड चाहिए तो बोट भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि 1500 रुपए में एक अच्छी नेकबैंड ढूंढ रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, स्टे कनेक्टेड एंड पीस आउट।